तो आज हम क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। क्वेश्चन है अपने पास में लॉग एक्स प्लस फोर प्लस लॉग टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू लॉग वन माइनस टू एक्स। तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब x की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले आप ट्राई करो, ठीक है, आप सॉल्व करो, स्क्रीन को रोक लिया करो भाई, और फिर उसके बाद में आप सॉल्व किया करो और फिर मैं आंसर निकाल दूंगा, आप मैच कर लेना। चलो मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग मैच करना आंसर को। लॉग log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू एन इक्वल टू log 1 माइनस टू एक्स। देखो इधर भी log है, इधर भी log है, आप हटा दो तो वैल्यू बनेगी x प्लस फोर इंटू टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 1 माइनस टू एक्स। मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 इक्वल टू 1 माइनस टू एक्स। सेम साइड ले जाते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 11 इक्वल टू 0। 11 टू जो 22 के ऐसे फैक्टर करो जिसे प्लस करने पर 13 आए, तो आपके पास में फैक्टर बनेंगे 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 2x प्लस 11 इक्वल टू 0। यहां से 2x को कॉमन लो, इधर से 1 को कॉमन लो, तो एक तो बना 2x प्लस 1, एक बना 2x को कॉमन लेते अंदर रह गया, इधर से x को कॉमन लेते ही सॉरी x को कॉमन लेते अंदर रह गया 2x प्लस 11 और इधर रह गया 1, तो 2x प्लस 11 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की टू वैल्यू आई, वन इज माइनस वन एंड सेकेंड वन इज माइनस 11 अपॉन 2। देखने में तो दोनों ही आंसर पॉसिबल लग रहे हैं, लेकिन अगर मैं x को माइनस वन रखता हूं तो माइनस वन प्लस फोर लॉग में पॉजिटिव, 2 इंटू माइनस वन माइनस टू प्लस थ्री लॉग के अंदर पॉजिटिव, इधर भी माइनस वन रखोगे तो भी लॉग के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर आपने माइनस का 11 अपॉन 2 पुट कर दिया तो माइनस 11 अपॉन 2 प्लस 4 नेगेटिव आ जाएगा, तो इसलिए ये आंसर पॉसिबल नहीं है। तो x इक्वल टू माइनस वन इज दी आंसर, इज दी ओनली आंसर। ठीक है, आप नोट कर लो पहले इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन इज log 49 अंडर रूट 7 प्लस log 25 अंडर रूट 5 माइनस log 4 रूट 2 अपॉन log 17.5 क्या होगा। log की वैल्यू क्या आएगी, अपॉन में log 17.5 है, तो देखो सीधा सा रूल, आपके इसमें log 49 इंटू अंडर रूट 7 को आप लिख सकते हो log 7 का स्क्वायर इंटू 7 की पावर हाफ प्लस log 25 को आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर हाफ माइनस log 4 को लिख सकते हो log 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर हाफ अपॉन log 17.5। 7 का स्क्वायर 2 और पावर हाफ मिलकर के कितनी हो गई 5/2, ये हो गया log 7 की पावर 5/2 प्लस log 5 की पावर भी 5/2 माइनस log 2 की पावर भी 5/2 अपॉन में log 17.5 एज इट इज, चलने दो। अब देखो जो पावर होती है वो हमेशा इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाती है, तो पावर को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 5/2, सबसे कॉमन अंदर वैल्यू बच गई log 7 प्लस log 5 माइनस log 2 अपॉन log 17.5। log m प्लस log n
माइनस समथिंग है, तो लॉग एम प्लस लॉग एन होता है लॉग एम इंटू एन, और जब आप 7 इंटू 5 करोगे माइनस लॉग 2, तो बेस में 2 आएगा, अपॉन में 2 आएगा, क्योंकि लॉग एम माइनस लॉग एन होता है लॉग एम अपॉन एन, तो वैल्यू आ गई 5 अपॉन 2 लॉग 35 अपॉन 2, मतलब लॉग 17.5, और अपॉन में भी कौन है 17.5 का लॉग, कैसे 7 इंटू 5 35 अपॉन में 2, तो 35 बाई 2 मीन्स 17.5, बोथ नंबर्स आर सेम सो कैंसल आउट, तो आंसर इज 5/2। आप इसको एक बार दोबारा से रीडिंग कर लो फटाफट, लॉग नंबर आ रहे हैं, मैंने 49 को लिखा 7 का स्क्वायर, 25 को लिखा 5 का स्क्वायर, 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि सब नंबर में जो मल्टीप्लाई में नंबर है वो सेम पावर वाले हैं 7, 5, 2, और पावर्स को ऐड कर दिया, तो पावर का रूल होता है जब भी पावर हमारे पास आती है वो आगे जाकर के मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 5/2 इधर भी मल्टीप्लाई हुआ, इधर भी हुआ, इधर भी हुआ, 5/2 सबसे कॉमन आ गया, जैसे ही 5/2 को कॉमन लिया अंदर रह गया लॉग 7 प्लस लॉग 5 माइनस लॉग 2 अपॉन लॉग 17.5, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया आपके पास में, ठीक है, नोट कर लो। देखो वन मोर क्वेश्चन, लॉग 4 बेस एक्स लॉग 64 बेस एक्स सॉरी लॉग 16 बेस एक्स लॉग 64 बेस एक्स इक्वल टू 12 है, देन एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो बड़ा सिंपल सा रूल है, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी, तो सब नंबर लॉग के अंदर वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी लॉग बेस में एक्स 4 इंटू 16 इंटू 64 इज इक्वल टू 12, तो अगर आप इसे और सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू बन गई लॉग, लॉग हटा दो तो x की पावर 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 16 इंटू 64 इज इक्वल टू x की पावर 12। अब अगर आप ध्यान दो 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि x की पावर 12 है तो x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इन सबको 2 की पावर की फॉर्म में लिखने का मुझे क्या फायदा मिल रहा है, 2 की पावर 4 और ये 2 की पावर 64 कितना होता है शायद 2 की पावर 6 इज इक्वल टू एक्स की पावर 12, तो 2 की पावर 2 प्लस 4 प्लस 6 12, 2 की पावर 12 इक्वल टू एक्स की पावर 12, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है प्लस का 2 और माइनस का 2, लेकिन अगर मैं माइनस 2 ले लूं तो माइनस 2 लेते ही लॉग के बेस में नेगेटिव नंबर आ जाएगा, तो इसलिए माइनस 2 नॉट पॉसिबल, तो इसका मतलब आंसर कौन सा हुआ x इक्वल टू 2 इज द आंसर। पेपर में ये ऑप्शन पता है कैसे आया हुआ है, फाइंड क्वेश्चन था फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ऑप्शन था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 0, 1, 2, 3। अब x इक्वल टू 2 आ गया, स्टूडेंट क्या करते हैं जल्दी से आंसर लग देते हैं 2, जबकि क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन आएंगे, तो x इज इक्वल टू 2 ओनली वन आंसर है, सिंगल आंसर है, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे 1, तो इसका आंसर सिर्फ 1 लिखा जाएगा। अगर वो ये पूछ लेना कि x की वैल्यू क्या होगी तो आपके पास में आंसर होता 2, ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पेपर में जब आप क्वेश्चन करते हो, तो यहां पर स्टेटमेंट जरूर ध्यान से देखना कि क्या क्वेश्चन पूछा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है या एक्स की वैल्यू क्या होगी वो पूछ रहे हैं, ठीक है। देखो अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग एक्स लॉग स्क्वायर एक्स बेस 3 लॉग एक्स स्क्वायर बेस 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो लॉग स्क्वायर का मतलब है लॉग एक्स बेस 3 का होल स्क्वायर माइनस ये सिर्फ एक्स पर स्क्वायर है तो ये वाली पावर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 लॉग एक्स बेस 3। अब याद रखना यहां पर जो एक्स है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर आ सकता है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, माइनस 3 इक्वल टू 0।
अब ये अगर ध्यान दो तो log x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, log x बेस 3 में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है आपके पास। आप चाहो तो एक बार इसको y लेट कर लो, तो y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 के ऐसे फैक्टर जिसे माइनस करने पर 2 आए, 3 एंड 1, तो वैल्यू बनी y स्क्वायर माइनस 3y प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज करेंगे तो y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू एक तो आ रही है 3 और एक आ रही है y की वैल्यू माइनस 1। अब रियल में y का मीनिंग क्या है? y का मतलब है log x बेस 3। तो log x बेस 3 इक्वल टू 3 और इधर log x बेस 3 इक्वल टू माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या हो गई इस इक्वेशन से? 3 की पावर 3, मतलब x हो गया 3 का क्यूब यानी कि x इक्वल टू 27 और इधर x हो गया 3 की पावर माइनस 1 यानी कि x हो गया 1/3। तो आपके पास में x की 2 वैल्यू आई, 1 इज 27 एंड सेकंड इज 1/3। तो आपके पास जब x की 2 वैल्यू आ रही है 27 और 1/3, थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो 27 है यहां पर आप पुट कर सकते हो तो इससे आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल रही, और 1/3 भी आप पुट कर सकते हो क्योंकि उससे भी लॉग के अंदर आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल रही। इसलिए 27 एंड 1/3 बोथ आर दी आंसर्स, आपके पास में दोनों ही आंसर होंगे, आपके पास दोनों आंसर होंगे, तो इसके बोथ आंसर आर राइट। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि कभी भी लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं बनना चाहिए। ओके, नोट कर लो। मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं, आप क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 बेस में 2 के हैव द सॉल्यूशन ए एंड बी, इसके सॉल्यूशन है ए एंड बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू या मोड ऑफ ए माइनस बी। ऑप्शंस आर 1, 0, 2 एंड नन ऑफ दीस। अब पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर सॉल्व करो, और आपसे नहीं होगा जब मैं करके दिखाता हूं, पहले आप नोट कर लो और पहले खुद ट्राई करो, वीडियो पॉज कर लिया करो जब तक। चलो अब मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग आंसर मैच करना। सॉल्यूशन, लॉग 2 बेस में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप इस 1 को भी लिख सकते हो लॉग 2 बेस 2 क्योंकि log 2 बेस 2 1 होता है, इधर भी log के बेस में 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 2, log m प्लस log n, log m इंटू n होगा तो वैल्यू बन जाएगी log बेस में 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 log बेस में 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। लॉग बेस के 2 को भूल जाओ, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो वैल्यू आ गई 2 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। सेम साइड ले जाता हूं तो वैल्यू आई 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाओ, x की 2 वैल्यू आएंगी 2 एंड 3, x की दो वैल्यू आई है 1 इज 2 एंड सेकंड इज 3। हमने यही तो कहा था कि इसके सॉल्यूशन है a एंड b, तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन तो हो गया, a तो हो गया 2, b हो गया 3। सॉल्यूशन का मतलब वही है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू 3 आई जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। आप क्या करो और देख लो, किसी से भी लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं बनेगा तो इट मींस 2 और 3 आ गई वैल्यू, तो 2 माइनस 3 का मॉड इज इक्वल टू 1, सो आंसर इज 1। ओके, राइट डाउन, नोट कर लो। चलो लिखो, आप इस क्वेश्चन को आपको ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन है log x बेस 5 इक्वल टू a एंड log y बेस 2 इज इक्वल टू log
वाई बेस टू, सॉरी बेस, हाँ लॉग वाई बेस टू भी ए है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 की पावर 2a माइनस 1 क्या होगा इन टर्म ऑफ x एंड y की टर्म में। ऑप्शंस दे रहा हूं मैं, फर्स्ट ऑप्शन इज x क्यूब y क्यूब अपॉन 100, सेकेंड ऑप्शन इज x की पावर 4 y की पावर 4 अपॉन 100, थर्ड ऑप्शन इज x क्यूब थर्ड ऑप्शन इज x क्यूब y की पावर 4 अपॉन 100 एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। आपको इन फोर में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ओके करो ट्राई। चलो अब हम आंसर मैच करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन में आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ था log x बेस 5 इक्वल टू a, तो x हो गया हमारे पास 5 की पावर a, और ऐसे ही log y बेस 2 इक्वल टू a, तो y हो गया हमारे पास 2 की पावर a। x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब मुझसे क्वेश्चन में पूछा है 100 की पावर 2a माइनस 1 क्या होगा, इट कैन बी रिटन एज 100 की पावर 2a अपॉन 100, पावर माइनस 1 मतलब अपॉन में चली जाती है, तो 100 की पावर 2a को आप लिख सकते हो 100 की पावर a का स्क्वायर अपॉन 100। अब 100 को आप लिख सकते हो, अब देखो सुनो यहां पर मुझे 5 और 2 के मल्टीपल के रूप में लिखना है, तो मैं 100 को लिख सकता हूं 10 इंटू 10 की पावर a की होल पावर 2, अपॉन में 100 पड़ा रहने दो क्योंकि सबके अपॉन में 100 है। अब 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 टाइम, तो ये हो गया 5 इंटू 2 का स्क्वायर की पावर a की होल पावर अगेन 2 अपॉन 100। तो यू लिख दो 5 इंटू 2 की पावर a की होल पावर 4 अपॉन 100, ये हो गया 5 की पावर a इंटू 2 की पावर a अपॉन 100 और इस वाले की पावर 4। 5 की पावर a क्या है x, 2 की पावर a क्या है y, तो x इंटू y की होल पावर 4 अपॉन 100, दिस वन इज द आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा डिफरेंट भी है, ठीक है एक बार रिपीट कर देता हूं दोबारा समझो। log x बेस 5 इक्वल टू a कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू 5 टू द पावर a, ऐसी log y बेस 2 इक्वल टू a देन y इज इक्वल टू 2 टू द पावर a, तो y इज इक्वल टू 2 की पावर a। हमें चाहिए 100 की पावर 2a माइनस 1, तो आप इसको लिख सकते हो 100 की पावर 2a अपॉन 100। आप चाहो तो 100 के इधर सीधा ही फैक्टर बना दो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, और 2 की वैल्यू 2 की पावर a की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, 5 की पावर a की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, जस्ट वो वैल्यू पुट करके इसमें रख दो, आपका आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है नोट कर लो। नेक्स्ट लॉग का एक क्वेश्चन और लिखते हैं। द क्वेश्चन इज लॉग a की पावर 5 बाय 2 बेस a माइनस log a की पावर माइनस 7 बाई 2 बेस a माइनस log a का स्क्वायर बेस a की वैल्यू क्या होगी, सॉल्व इट की वैल्यू क्या होगी। चलो अब मैं सॉल्व करता हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, 5 बाई 2 पावर में है तो आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 अपॉन 2 लॉग ए बेस ए, इधर माइनस का 7 बाई 2 पावर में है तो आकर के आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस का 7 बाई 2 लॉग ए बेस ए, इधर 2 मल्टीप्लाई में है तो आकर के यहां पर मल्टीप्लाई हो गया 2 लॉग ए बेस ए। देखो लॉग ए बेस ए
हमेशा वन होता है। बस फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, और जब फंक्शन लिख रहे हैं तो लिखते तभी हैं जब फंक्शन डिफाइन होता है। तो हुआ क्या, 5/2 माइनस 7/2 इंटू माइनस, तो प्लस का 7/2 माइनस 2, 5/2 सेम है, 5 + 7 12/2 6 - 2। ज्यादा ही सिंपल क्वेश्चन दिया था मैंने, आंसर इज 4। क्लियर, नोट कर लो। तो अभी तक हमने लॉग की 6 प्रॉपर्टीज कर ली है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 7, सेवंथ प्रॉपर्टी इज, लिख लेना इसे भी, कभी भी a की पावर log x बेस a आए तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू x। मीन्स जो जिसके ऊपर आपने log लगाया है एज ए पावर, अगर इसका बेस और ये नंबर सेम होते हैं तो ये वैल्यूज आपस में रिमूव हो जाती है, मतलब सिर्फ x रह जाता है। इसको ऐसे भी यूज में लिया जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, a की पावर n log x बेस a। तो देखो n log में मल्टीप्लाई हो रहा है तो x के ऊपर पावर आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, a की पावर log x बेस a और x की पावर n, तो इसका आंसर क्या आएगा, x की पावर n। पर बेसिकली आपको याद ये रखनी है, ये लाइन रहेगी तो ये अपने आप ही हो जाएगी। तो कभी भी किसी नंबर के ऊपर पावर में लॉग हो और उसका बेस सेम हो जो यहां पर नंबर थे, तो ये कैंसल आउट होकर के सिर्फ एक्स आ जाता है। ठीक है, अब देखो कैसे हम इसके ऊपर बेस भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वन क्वेश्चन रूल इसमें भी वही रहने वाले हैं, बेस के अंदर है तो ए शुड बी पॉजिटिव, ए इज नॉट इक्वल टू वन, बेस का नंबर कभी भी वन नहीं होता। जैसे क्वेश्चन है, आप सॉल्व करो, क्वेश्चन इज 2 की पावर log, बेस में है 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू x की पावर log 2 बेस x, देन x की वैल्यू क्या होगी, सॉल्व इट। पहले आप ट्राई करो, आपसे नहीं होगा तब मैं करूंगा, ठीक है। चलो अब मैं फिनिश करता हूं, आप लोग आंसर मैच करना। देखो 2 की पावर में था एक्स स्क्वायर, लॉग के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, बेस में 2, जब भी ये नंबर सेम हो तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, लॉग हट जाएगा, वैल्यू रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इधर x की पावर log 2 बेस x है तो यहां पर भी x हट जाएगा, सिर्फ 2 रहेगा। अब इससे लेकिन एक स्टेप क्लियर यही हो गया, क्योंकि लॉग के बेस में x है तो श्योर है x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू 1, कि हमारा जो आंसर आएगा वो 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 भी नहीं होगा। तो सीधा रूल, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, x को कॉमन लेते ही x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो या तो होगा x इक्वल टू 0 या फिर होगा x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है तो ये चीज नॉट पॉसिबल, तो आंसर x इक्वल टू 3। ओके, राइट डाउन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, x की पावर log 2 बेस x इज इक्वल टू log x प्लस y बेस 3 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 65, देन x एंड y दोनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो जैसे हमने इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया, x की पावर log 2 बेस x, इससे सीधा पता चल गया x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस में होने के कारण से x इज नॉट इक्वल टू 1, तो क्वेश्चन सिंपल हो गया। तो आपने क्या करा, इसको आपने लिख दिया 2 इज इक्वल टू log x प्लस y बेस 3, देन x प्लस y की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, मींस x प्लस y इक्वल टू 9। x प्लस y की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, x और y की। और एक कंडीशन और क्या दी हुई है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 65। अब क्या करो, आप यहां से y की वैल्यू निकाल दो, तो y की वैल्यू आ गई 9 - x,
और इसको उठा करके इधर पुट कर दो, तो 9 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 65. 9 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 65. तो वैल्यू क्या आई, 81 माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 65. तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 18x, 2x स्क्वायर माइनस 18x, 81 में से 65 को माइनस किया तो नेक्स्ट वैल्यू आ गई, मे बी पॉसिबल जो भी वैल्यू आ रही है, 81 माइनस 65 कितना हो गया 16 इक्वल टू जीरो. तो वैल्यू क्या हुई, फैक्टराइज करो x की, आपके पास में 2 वैल्यू आ जाएगी, 2 को कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इक्वल टू जीरो. तो x की 2 वैल्यू आई 1 और 8. अब मुझे पता है x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, तो आप x की वैल्यू 1 को रिमूव कर दो. तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, x इक्वल टू 8. जैसे ही x की वैल्यू 8 आई, अब y की वैल्यू निकाल दो, 8 का स्क्वायर 64, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 65 माइनस 64, तो y की वैल्यू आ गई y स्क्वायर इक्वल टू 1, y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आएगी 1 और माइनस 1. लेकिन अभी भी चेक करना पड़ेगा 1 और माइनस 1 दोनों रख सकते हैं क्या. तो देखो अगर मैं y की वैल्यू 1 लेता हूं तो 8 प्लस 1 9 होता है, पर अगर मैंने y की वैल्यू माइनस 1 ले ली तो 8 माइनस 1 9 नहीं होगा, तो इसलिए सिर्फ 1 ही आंसर होगा. आप यहां से भी निकाल सकते थे x की वैल्यू 8 को, इसमें पुट करके y की वैल्यू सीधा आ जाती. ठीक है, राइट डाउन.